या फिर एक शेख मुजीबुर रहमान तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सरबराह जेयूआईएफए मौलाना फजल रहमान ने बड़ा सवाल उठा दिया। मौलाना ने कहा कि अगर वो जबर का रास्ता लेंगे तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे। जीटीवी के नुमाइंदे ने मौलाना से सवाल किया कि क्या पीडीएम तर्ज का कोई और इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने बोले, वो कहते हैं ना सी एंड वेट। जीटीवी के नुमाइंदे ने सवाल किया कि क्या आपने कोई सवालात भिजवाए थे, जिस पर मौलाना बोले ऐसा कोई सवाल है ना कोई जवाब। ये एक यूट्यूबर के शोशे हैं। गुलामी काबिल कबूल नहीं। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारे नतायज तब्दील किए जाते हैं। हमारे ही हम सफर, उन्होंने आज इस इलेक्शन के नतायज को तस्लीम कर लिया और इक्तदार में जाकर बैठ गए। आज से ऐलान करते हैं कि अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई तो फिर ये जंग जारी रहेगी। जो कुव्वतें ऐसा करती हैं उनको अवाम के सामने सदर होना पड़ेगा। तामुल के लिए माहौल बनाया जाए। हम मुल्क के लोग हैं, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कहाँ खड़ा कर दिया पाकिस्तान को? आपके पास अक्ल खिरत नहीं है, आपके पास सिर्फ ताकत और ताकत का नशा है। सवाल क्या हजरत, मैं आपसे बात करूं, कोई रास्ता नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हवाओं में क्यों बातें उड़ाई जा रही हैं बिलावज़?